बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। यस्टरडे वी हैव कंप्लीट द एक्सरसाइज 5.3। आई होप यू हैव कंप्लीट योर होमवर्क एंड डू प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिव्यू एक्सरसाइज 5। सो ओपन योर बुक्स एंड द पेज नंबर इज 132। क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने हर पार्ट में आपके पास पार्ट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, उसमें से जो आपको करेक्ट आंसर्स लगते हैं उनमें से आपने उनको मार्क करना है। ठीक है, हमने इनको पीछे पढ़ लिया है, अब ये आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 7 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट हो जाती है, ये भी आप खुद करेंगे। नाउ कम टू द पेज नंबर 133। ये आपकी राउंड तकरीबन 10 फिलिंदी ब्लैंक्स हैं, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द प्राइस ऑफ अ ट्राईसाइकिल इज़ ₹4,000। इफ़ 16% सेल टैक्स इज चार्ज, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन 30 सच ट्राईसाइकिल्स। ठीक है, आपको एक दी हुई है पेमेंट, यानी एक प्राइस आपको ट्राईसाइकिल की 4000 गिवन है, 16% सेल टैक्स वो चार्ज हो रहा है, तो बताएं 30 ट्राईसाइकिल्स की अमाउंट क्या होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। प्राइस लिख लेते हैं, हमारे पास प्राइस ऑफ 1 ट्राईसाइकिल कितनी है? ₹4,000 थी गिवन है हमारे पास। सेल्स टैक्स हमारे पास गिवन है कितना है? दिस इज 16%। तो हम अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट ऑफ टैक्स कितने पे? 16% ऑफ ट्राईसाइकिल, यानी कि 1 ट्राईसाइकिल पे आप निकालोगे ऑफ 4000। ठीक है, 16% की जगह आपने 100 ऑफ मल्टीप्लाई, दिस इज 4000 एज इट इज। ठीक है जी, सॉल्व कर लें, कटिंग कर लें, 16 मल्टीप्लाई बाय 40 सॉल्व कीजिए, दिस इज ₹640 आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी, अब हमने 30 ट्राईसाइकिल्स की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपके पास गिवन था कि आप बताएं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन 30 सच ट्राईसाइकिल। तो अमाउंट ऑफ राइट कर लें, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑफ 30 ट्राईसाइकिल्स कितनी बन जाएगी आपके पास? साइकिल्स हैं आपके, जो अमाउंट ऑफ टैक्स आई है दिस इज 640, मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, 640 मल्टीप्लाई बाय कितनी है ट्राईसाइकिल्स? 30, आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, 30 को 640 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 1900, यानी 19200 हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? 1 ट्राई साइकिल हमारे पास गिवन थी, सेल्स टैक्स 16% भी गिवन है, हमने उस पर 16% पे निकाला कि कितना टैक्स पे करना है, दिस इज 640, हमने 30 की निकालनी थी तो हमने 30 को 640 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इफ द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज 7 लाख विद एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ रुपीज इज 1,50,000, फाइंड द टैक्स चार्जेबल एट द रेट ऑफ 4.5%। टोटल इनकम एक पर्सन की इतनी है, एग्जेम्प्ट अमाउंट इतनी हो गई, तो अब फाइंड करें टैक्स चार्जेबल एट द रेट ऑफ 4.5% पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर 4, टोटल इनकम राइट कर लीजिए, टोटल इनकम हमारे पास गिवन है कितनी है? ₹7 लाख। ठीक है,
एग्जैम्प्ट अमाउंट लिख लें, हमारे पास दिस इज 1,50,000, ठीक है जी। तो रिमेनिंग कितनी रहेगी जिस पे आपने टैक्स पे करना है, तो आप लिख लें टैक्स एबल इनकम, यानी इस पे आपने टैक्स पे करना है, वो कितना है 7,00,000, क्योंकि ये टोटल अमाउंट थी, एग्जैम्प्ट इतनी होगी, जो बाकी रह जाएगा उस पे आपने 4.5% टैक्स पे करना है। तो माइनस करते हैं, माइनस 1,50,000 माइनस कीजिए, दिस इज रुपीज 5,50,000, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास क्या था, 4.5% पे यहाँ टैक्स लिख लें, टैक्स हमारे पास था या रेट ऑफ टैक्स लिख लें, रेट ऑफ टैक्स हमारे पास है दिस इज 4.5%। अब चार्जेबल टैक्स कितना चार्ज हो रहा है, जितना हम सॉल्व कर लेते हैं उसको, टैक्स चार्जेबल कितने पे, अब क्योंकि आपके पास ये टोटल अमाउंट है, 7,00,000 नहीं, क्योंकि इनकम तो आपकी 7,00,000 है, 150 आपकी एग्जैम्प्ट हो रही है, तो बाकी जो आपकी अमाउंट है दिस इज 5,50,000। अब इस पे आपने टैक्स कितना 4.5% देंगे, तो उसमें देखते हैं कि कितना हमारा टोटल टैक्स बन जाता है, यानी 4.5% ऑफ 5,50,000, ठीक है जी। 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5,50,000। आपको पॉइंट को बेशक डिडक्ट मत करें, पॉइंट यानी जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, पॉइंट की जगह 1 और 5 की जगह 0, अगर नहीं भी सॉल्व करते आप 4.5 को 5,50,000 से मल्टीप्लाई करें और 100 पे डिवाइड कर दें, अगर ऐसे भी नहीं कर सकते इनको कटिंग करें, 4.5 को मल्टीप्लाई कर लें 5,050 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रुपीज़, ठीक है जी, 24,750 रुपीज़, दिस इज़ योर आंसर, क्लियर बच्चों जी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, द गैस मीटर शोज डेट 5.670 एच एम क्यूब गैस वॉज यूज ड्यूरिंग अ मंथ पीरियड, वर्क आउट द पेएबल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ GST एट द रेट ऑफ 16%। ये आपने एक्सरसाइज 5.2 में कर चुके हैं, सिंपल सा है कि गैस मीटर में बता रहे हैं कि इतनी आपने एक मंथ में गैस यूज़ की है, तो आप वर्कआउट करेंगे, बताएं कि GST अगर 16% हो तो इस जो आपने गैस यूज़ की है उस पर अमाउंट कितनी बनेगी। ये एग्जैक्ट 5.2 के क्वेश्चन की तरह है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी आर एज अंडर, हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अब ये कि हमने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए, इस्तेमाल किए, फर्स्ट पार्ट है जैसे 275 यूनिट्स हैं, सेकंड में 200, 340 एंड 285 यूनिट। कंप्लीट द इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूडिंग आइटम एज वेल एज शोन इन द सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेम एज इट इज़ 5.2 के क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वहाँ पर आपको एक स्लैब गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है, ओके बच्चों। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 7 पे, द ग्रॉस मंथली पे ऑफ अ पर्सन इज ₹75,000, एक पर्सन की ग्रॉस जो मंथली इनकम है दिस इज 75,000, इफ ₹1,500, ₹1,200 एंड ₹1,800 आर डिडक्टेड, यानी कि वो कह रहे हैं 1500, 1200, 1800 डिडक्ट हो रहे हैं उसके किसके लिए, इनकम टैक्स के लिए, बेनिवोलेंट फंड के लिए, GP फंड रिस्पेक्टिवली, यानी कि इनकम इन चीज़ों के लिए आपके यही है इनकम डिडक्ट हो रही है उस पर्सन की, टोटल अमाउंट है आपकी 75,000 और 1500, 1200, 1800 की डिडक्शन हो रही है, देन कैलकुलेट द नेट टेक होम सैलरी ऑफ द पर्सन। तो जो नेट जो है यानी कि जो वो ले के जा रहा घर, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूँ कि जो वो सैलरी घर ले के जा रहे जो डिडक्शन के बाद वो कितनी है वो आपने बतानी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7,
गिवन हम लिख लेते हैं ग्रॉस मंथली पेमेंट, पेमेंट या पे लिख लें, ₹75,000। डिडक्शन किस चीज की हो रही है वो राइट कर लेते हैं, नेम इनकम टैक्स प्लस बेनिवोलेंट फंड प्लस जीपी फंड। कितने इनकम टैक्स हमारे पास था, दिस इज 1500 अमाउंट जो जो है वो हम राइट कर लेते हैं। ठीक है जी, ऐड कर लें, ऐड करने से हमारे पास आ रहा है ₹45,000। ठीक है, यानी कि ग्रॉस मंथली में से जो डिडक्शन हो रही है दिस इज 4500। तो होम सैलरी या रिमेनिंग सैलरी या नेट सैलरी जो आपको इजी लगता है राइट कर सकते हैं। क्या करेंगे, 75,000 माइनस कर दें 75 में से जो डिडक्शन है उसको, डिडक्शन को ग्रॉस में से डिडक्शन को माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग इज 70,500। दिस इज योर आंसर। क्लियर बच्चों, नोट डाउन योर डायरी, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, 2 टू क्वेश्चन नंबर 7, यानी 1 से लेकर आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके पास होमवर्क है। ठीक है जी, आई होप कि आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा, क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल इंशाल्लाह हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।